हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे एक्सेल में हम कैसे अटेंडेंस शीट बनाते हैं। पिछले वीडियो में हमने मैथमेटिकल फॉर्मूला को कवर कर लिया था, जिसमें एक फॉर्मूला था काउंट इफ का। तो उस काउंट इफ का यूज़ करते हुए आज हम अटेंडेंस शीट बनाना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, हमारे पास अटेंडेंस शीट है जिसमें स्टूडेंट्स का नाम लिखा है एंड डेट लिखा है। यहाँ मैंने मंथ पे 31 डेज यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें निकालना है कितने दिन बच्चे प्रेजेंट थे, अब्सेंट थे, कितना हॉलीडे पड़ा था, और आपका टोटल डेज जो है वो 31 यहाँ पे निकल ही जाएगा। तो चलिए हम पहले सीखते हैं कि कैसे हम प्रेजेंट इसका निकाल सकते हैं। यहाँ पे सबका प्रेजेंट और ऑप्शंस स्टूडेंट्स का लिखा गया है। तो यहाँ पे प्रेजेंट निकालने के लिए हमें क्या करना है, लगाना है काउंट इफ का फॉर्मूला। काउंट इफ मतलब होता है काउंट और इफ मीन्स यदि, यानी एक कंडीशन के साथ यदि किसी चीज़ को काउंट करना होगा तो काउंट इफ फॉर्मूला का यूज़ किया जाता है। याद रखिएगा, यदि आप काउंट कर रहे हो किसी लेटर को या फिर किसी वर्ड को, तो आपको उस वर्ड या लेटर को डबल इनवर्टेड कॉमा के अंडर में रखना पड़ेगा। जैसे हमें यहाँ क्या काउंट करना है, यहाँ हमें पी और ए काउंट करना है, मीन्स प्रेजेंट और एब्सेंट, जो एक लेटर है। तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा, डबल इनवर्ट कॉमा के अंडर में रखना है। यदि नंबर किसी स्पेसिफिक नंबर को काउंट करना होगा तो वहाँ पे डबल इनवर्ट कॉमा की ज़रूरत नहीं होगी। तो यहाँ हम पहले काउंट कर लेते हैं। प्रेजेंट है इक्वल का शाइन, फॉर्मूला का नाम लिखना है काउंट इफ, ब्रैकेट को करना है ओपन, अपने सेल रेंज को सेलेक्ट करना है। तो सेल रेंज को सेलेक्ट करने से पहले आप उस सेल रेंज पे चले जाइए, सेल एड्रेस पे चले जाइए। इसको यहाँ से सेलेक्ट करते हुए आपको लास्ट तक जाना है, हमारा किस डेट तक, यहाँ 31 डेट तक। फिर आपको लगाना है कॉमा। आपको क्या काउंट करना है, आपको प्रेजेंट काउंट करना है। तो मैंने बताया था प्रेजेंट में जो पी है वो एक लेटर है जो डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर में रहेगा। तो यहाँ आपको डबल इनवर्टेड कॉमा ऑन करना है, लिखना है पी और डबल इनवर्टेड कॉमा क्लोज करना है। ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिएगा और एंटर कर दीजिएगा। ये आपका आ गया 90 आपका प्रेजेंट है। फिर इसको आपको ड्रैग कर देना है, ठीक है। अगर आपको सेल रेंज को सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है, अगर बड़ा टेबल रहेगा, यहाँ 31 तक है, तो हम लोग क्या कर रहे थे, ऐसे सेलेक्ट कर ले रहे थे। यदि बहुत बड़ा टेबल रहेगा तो आप कब तक सेलेक्ट करोगे, प्रॉब्लम होगा। तो दूसरा तरीका है सेलेक्ट करने का हमारा सेल रेंज, वो दूसरा तरीका क्या है देखिए हम आपको बताते हैं। इसको हम कर देते हैं डिलीट। यहाँ पर लिखते हैं हम काउंट इफ। अब देखिए, यहाँ जब पीछे जाइएगा तो आपको जो दिखेगा, जो फर्स्ट सेल का जो सेल एड्रेस है वो क्या है, यहाँ पे B2, ठीक है। फर्स्ट सेल का सेल एड्रेस क्या है, B2। तो यहाँ पे आपको लिख लेना है B2, फुल कॉलम लगाना है यहाँ पे। और लास्ट सेल का सेल एड्रेस क्या है, AF, और इधर से 2। पहले रो नंबर, पहले कॉलम नंबर लिखते हैं उसके बाद रो नंबर। तो यहाँ पे आपको लिख लेना है AF2। देखिए ऑटोमेटिक आपका ये देखिए सेलेक्ट हो चुका है। बस आपको कॉमा लगा के अपना जो लेटर है वो लिख लेना है पी एंड डबल इनवर्ट कॉमा क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज, एंटर करिए। देखिए यहाँ पे क्या नेम आ रहा है, मतलब उसके फॉर्मूला के नेम में हमारा प्रॉब्लम था। यहाँ देखिए आपका टी छूट गया है, तो यहाँ पे हम टी लिख देते हैं, ठीक है। अगर आपका नेम आ रहा है तो आपके फॉर्मूला के नेम में गड़बड़ी है, ठीक है। एंटर कर देते हैं तो देखिए आपका 90 आ गया। बस आपको कर देना है ड्रैग। तो इस तरह से आपका प्रेजेंट निकल गया। तो फटाफट हम अब्सेंट को और हॉलीडे और टोटल डे को भी काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं फटाफट काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन, B2 फुल कॉलम, और यहाँ पे क्या था, AF2 कॉमा डबल इनवर्ट कॉमा ओपन। अब क्या निकालना है, अब्सेंट, तो ए लिखेंगे यहाँ डबल इनवर्ट कॉमा क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज, एंटर। यह आपका 8 अब्सेंट आ गया। अभी पता चल जाएगा कि करेक्ट निकला है या नहीं, जो टोटल डेज रहेगा ये आपका तीनों को प्लस करके ही यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हॉलीडे, तो यहाँ पे हॉलीडे निकाल लेते हैं, इक्वल टू काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन, सेल रेंज सेलेक्ट करते हैं B2 फुल कॉलम AF2, यहाँ पे आपका सेल रेंज सेलेक्ट हो गया है, कॉमा
डबल कॉमा, यहाँ पे लिखना है हॉलीडे, क्योंकि यहाँ पे भी आपके जो टेबल है इसमें भी हॉलीडे पूरा नाम लिखा गया है, तो जो नेम रहेगा वही आपको लिखना है यहाँ पे। डबल कॉमा क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज एंटर, आपका फोर हॉलीडे है सबके लिए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ फोर फोर आ गया, टोटल डेज यानी आपके 31 डेज की यहाँ पे थे पूरे टेबल, जो डेज है आपका 31 डेज था, तो यहाँ तीनों को मिलाकर आपका 31 आना चाहिए। तो सिंपली आप यहाँ पे सम भी लगा सकते हो या ऑटो सम भी लगा सकते हो। तो यहाँ हम कर देते हैं सम, तीनों को कर लेते हैं सेलेक्ट और यहाँ पे इंटर। तो देखिए यहाँ पे 31 आ चुका है, इस तरह से आप ड्रैग कर सकते हो, ठीक है। तो ये रहा आपका काउंट इफ का यूज़, जिसमें हम आज सीखे हैं अटेंडेंस सीट बनाना। तो इस तरह से आप एक अट्रैक्टिव अटेंडेंस शीट बना सकते हो। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत।